भारत डिवाइन ग्रेज अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य डिवाइन ग्रेज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य हरिदास प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद की गो गो श्री, मैं मैं देवी देवी श्री श्री राधा कृष्ण गोपगोपीनाथ राण्डगिरि गोवर्धनकी व्रजभूमि वृन्दावन धाम किरा धाम किकापुरि धाम कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरि धामकी श्री मायापुर नवदीप मायापु नवदीप्मकी गङ्गमयि अमुनमयिकी भक्ति देवि तुलसि देविकी समावेत भक्त बृन्दके श्री श्री गौर्नितायकी

श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं तं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नाम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने क्रिष्ना गौरत्कृषे नमः वन्दे श्रीकृष्णचैतन्यनित्यानन्दसहोदितौ गौडोदये पुष्पमन्तौ चित्रौ शन्दौ तमोनुदौ जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतगदादरश्रीवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः हिंदी में ठीक है प्रातःकालीन भागवत के सत्र में आप सब भक्तों को स्वागत हम हम लोग पहले स्कंद के अध्याय के छठे श्लोक पढ़ रहे हैं ठीक है हिंदी में दिखा देते हैं आपको श्लोक हैं है?

यस्मिन्नह निजर्ह्येव भगवानुत्ससर्जगा तदैवेहानुवृत्तो सधर्म प्रभवः कलिः य नहनी अर्व भगवान्स सर्जगा भगवा सर्जगा तदयना वृत्सा वन देश सा अधर्म प्रभव कलिहि अधर्म प्रभव कलि यस् अर्व भगवात्सर्जगाम भगवानसर्जगाम तदवेहासा ते तेवेहास अधर्मा प्रभव कली अधर्मा नभव कलि यस् नहनी अर्घ्यव

अधर्म प्रभव कले जिसमें जिसमें अहनी दिन में यार यही एव जिस क्षण में भगवान भगवान ने उत्सर्ज त्याग दिया गाम पृथ्वी को तदा उस समय एव निश्चय ही इहा, इस संसार में अनु पीछे आ गया असौ वह अधर्म अधर्म प्रभव तीव्र करते हुए कलि ही कली रूप अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति शिल्पा जी के द्वारा शिल्पा की जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा उसी समय समस्त समस्तियों को बढ़ावा देने वाला कली इस समसार में आ गया तात्पर्य भगवान तथा उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न हैं भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था इसी प्रकार यदि भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा संसार से कली को भगाने की यही युक्ति है आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए हैं और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज कर ली है अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी भी बद्धे आ, स्वर को प्रसारित न करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम यश तथा उनके गुणों की दिव्यवाणी को जिस तरह जिस तरह से वे भगवत गीता या भागवत में प्राप्त हैं प्रसारित करने की व्यवस्था करें तो उचित वातावरण उत्पन्न होगा संसार में धर्म की पुनः स्थापना होगी और इस प्रकार प्रशासक लोग जो संसार से भ्रष्टाचार के उन्मूलन को लेकर इतने उत्सुक हैं वो सफल होंगे कोई भी वस्तु बुरी नहीं है यदि उसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाए इधर आप लोग विशाल नगर में बी सी बीसी बी सी बीसीईसी बीसीईसी -E -E में बी सी सेंटर फॉर एजुकेशन कल्चर भक्ति सेंटर फॉर एजुकेशन कल्चर आप लोग भागवत के पहले स्कंद के अठारहवा अध्याय पढ़ते आए हो बहुत सुंदर अध्याय है अठारहवा उन्नीसवा अध्याय इधर अनेक मर्म इन दोनों अध्यायों में छुपे हुए हैं जिन मर्मों को अगर, अगर कोई सही ढंग से पहचान लेगा बच जाएगा वो कली से सो so, कल से बचने के उपाय बताया गया है इधर बताते हैं कि जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा उसी समय समस्त अधार्मिक कृतियों को बढ़ावा देने वाला कली संसार में आ गया जैसे कभी कभी आ, पावर कट हो जाता है लाइट अचानक ऑफ हो जाता है शट डाउन हाँ, लोड शट डाउन करते हैं <coughs> वो पावर कट होते ही तुरंत लाइट्स सब बंद होने के कारण अंधेरा छा जाता है दोनों एक साथ होता है लाइट बंद हो जाना और अंधेरा आ जाना दोनों साथ साथ होता है इसी तरह भगवान को सूर्य से तुलना किया है कृष्ण सूर्य सामा माया अंधकार यहाँ कृष्ण तहा नाही माया अधिकार जिधर कृष्ण का कृष्णा का उपस्थिति है उधर माया का प्रभाव नहीं है नहीं। 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 जैसे अगर तवा गरम हो उसमें पानी थोड़ा भी डालो तुरंत तु क्या कर देता है उसको सुखा देता है पानी रह नहीं सकता उसमें लेकिन अगर तवा गरम नहीं हो तो पानी ऐसे ही पड़े रहता है उसमें इसी तरह जिधर भगवान विष्णु हैं उधर असुर लोग रहने के लिए डरते हैं जिधर रोशनी है उधर अंधेरा नहीं आ सकता है जिधर भगवान के हरिनाम का उच्चारण है उधर बिल्ली शून्य ऐसे पिशाच भूत प्रेत उनका असर नहीं पड़ सकता है वो भी डरते हैं भाग जाते हैं ऐसे बताया है। इस तरह जिस व्यक्ति के मुख में हमेशा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रा हरे रा, 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 रा हरे ऐसे एक श्लोक है भागवत में जो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को स्वागत करते हुए एक श्लोक बोलेगा सा महायोगिन पातकानि पातका भी सद्यो नश्यति वैपुम सा विष्णुरिव सुतरा ऐसा बताता है बोलता है कि विष्णुरिव सुरेतरा सुर इतरा का मतलब कौन है कौन है सुर इतरा असुर लोग हैं सुर का मतलब है देवता लोग सुर इस का मतलब है असुर लोग तो असुर लोग बताते हैं विष्णु और ये सुर इस जब विष्णु होते हैं उधर असुर लोग भाग जाते हैं उधर से नहीं रहते उधर ऐसे बताते हैं इसी तरह ये मुनिवर आपके उपस्थिति में सान्निध्यात् सान्निध्य का मतलब निकट आना आपके निकट आने से हमारे महल राजमहल में आने से महायोगिन पातकानी महान त्यपि बताता है पातकानी का मतलब पाप महापाप पातक महापातक ऐसे अनेक श्रेणी के पाप है ऐसे महापाप भी दूर भाग जाता है पाप का फल भी पातकानी भी सद्यो नश्यंति वाई पुमसाम सद्य का मतलब तुरंत नाश हो जाता है ऐसे एक व्यक्ति के पाप इसलिए बताया गया गंगा से भी श्रेष्ठ एक भक्त का संघ है ऐसे बताया गया है अभी गंगा को एक गीत आता है ना कौन तो मृदंग रेडी रहना हमेशा बीच में गाऊंगा मैं कंगर पर रसले पचाते पावन दर्शन पवित्र करो ये तुम्हारा गुण पवित्र करो पाप दुरे जा દયાલા પ્રભુ કેવા કોતા પેન દયાલા કરુણા કરો વૈષ્ણવ ગોસા પતિ તવન તોમા વિનય કે जाते हैं ये वैष्णव गुसाईं जहां न निकट गए पाप दूर हो जाए आपके निकट जाते ही पाप दूर हो जाता है इतने आप दयालु हो गंगा को स्पर्श करने के बाद पाप मिटता है लेकिन आपको दर्शन करने से पाप मिटता है लेकिन परीक्षित और एक आगे कदम बढ़कर बताता है ये शाम संस्मरणात शाम सद्यो शुद्ध्यंती वै सद्यो शुद्यंती वै ग्रहा पुनः दर्शन स्पर्श पाद शौचासन आदि भी वो बताता है कि यहाँ संस्मरणात्मस महात्मा पुरुषों की ध्यान करने मात्र से स्मरण करने मात्र से पाप दूर हो जाता है देखने से भी नहीं स्मरण करने से अभी हम सोचते हैं श्री प्रभुपाद श्री भक्त ठाकुर नहीं तो भक्त ठाकुर चैत्र महाप्रभु ऐसे हाँ, हम आचार्यों का स्मरण मात्र करते हैं तुरंत हमारे चित्त शुद्ध होता है उससे आज बताता है घर हो जाता है ऐसे महात्मा पुरुषों की स्मरण से और आगे बताता है आ, दर्षन, अगर दर्शन भी कर पाता है कोई और पवित्र हो जाता है स्पर्श का मतलब है अगर उनके पद पांव में अगर फूल डाल सकता हो नहीं तो पाँव को धो सकता हो और भी बड़ा भाग्यशाली है अगर उनके शीचरण उनके निकट बैठ कर कथा श्रवण कर सकता हो जैसे परीक्षित सुना सुखदेव गोस्वामी से है और भी भाग्यशाली है उससे भी भाग्यशाली कहाना बता है कि अगर वो जिज्ञासा भी कर सके पूछताछ कर सके और कुछ उपदेश भी ले सके उनसे और वो भी और भाग्यशाली माना जाता है लेकिन उपदेश ही नहीं लिया लेकिन उपदेश देखकर जीवन में लागू करके कोई भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन गया वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है इस तरह अनेक शनि के लोगों के बारे में परीक्षित बोलता है लेकिन आपके मन में एक शंका उठेगा कि इस तरह भगवान के भक्तों की गुणगान इतना किया जाता है क्या है क्यों इतना उनमें इसे क्या पवित्रता है जिसके कारण लोग इतना महात्मा पुरुषों की गुणगान करते हैं इस तरह प्रश्न उठ सकता है एक बार शिव जी को माँ पार्वती ने पूछा कि वृंदावन की महिमा सब लोग आते हैं वृंदावन में ऐसा क्या चीज़ है जिसके कारण लोग इस तरह वृंदावन की महिमा गाते हैं इसके ये तो रज रज होता है वृंदावन का ब्रज रज इसके कारण गुणगान करते हैं क्या नहीं तो यमुना बह रही है उधर कालिंद यमुना नहीं तो कदम कदमकानन है उधर नहीं तो गोवर्धन पर्वत है उधर नहीं तो गाय बचरे बहुत सुंदर है उधर बहुत प्रचुर मात्रा में नहीं तो विजबासी लोग हैं नहीं तो अनेक मंदिर हैं किस कारण से लोग वृंदावन की इतना गुणगान करते हैं तब शिवजी ने मुस्कुराए और बोला ये सब चीजों में पवित्रता तब आता है क्योंकि वृंदावन वासियों के मुख में हमेशा भगवान का नाम गूंजता रहता है उनके मुख से निकलता रहता है भगवान का नाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे तो आप देखेंगे वृंदावन में रिक्शा वाला भी साधारण व्यक्ति भी राधे राधे बोलेगा वो हट जाओ नहीं बोलेगा वो कभी सुना आपने अरे हट जा कभी सुना क्या बोलेगा यही वृंदावन के लोगों का महिमा है ऐसे बोला उन्होंने साधारण से साधारण व्यक्ति भी आ, नाम लेता है हम लोगों ने देखा वृंदावन में हम लोग परिक्रमा कर रहे थे कोई कुछ लोग ए, क्या बोलते हैं उसको भूसा भूसा होने के पहले स्टेज का क्या बोलते हैं पैडी पैडी उसमें से ऐसे मार मार कर उसको निकालते हैं ना धान्य को उसको क्या बोलते हैं निकालने के बाद उसको भूसा बोलते हैं करेक्ट है ना हे हे बोलते हैं तो उसके पहले धान्य होता है उसमें हैं उसको मारते हैं तो धान्य को मारने वाले लोग भी किसान लोग होते हैं ना श्याम तेरे बजे धीरे धीरे ऐसे मारते हैं ऐसे मोहन तेरी वो गाते गाते मुस्कुराते नाचते ही काम करते हैं उधर हाँ वृंदावन में ऐसे कोई भी भगवान का नाम कभी बोलता नहीं है। मुख में भी नाम हा? और हाथ में काम और मन में राम ऐसे यही वृंदावन की महिमा है ऐसे शिव जी ने बोला और था उन्होंने ये भी बोला कि संत महात्मा लोग जो होते हैं वो लोग उनके हृदय हमेशा भगवान के लीला चेष्टाओं के स्मरण में डूबा हुआ रहता है और के मुख में इसके कारण नाम निकलता रहता है और जब नाम निकलता है कथा निकलता है मन में भी भगवान का स्मरण है ये ही संत महात्माओं को दिव्य कराता है जैसे एक लोहे को आग में डाल दो वो तप जाता है ना वो एकदम लाल लाल हो जाता है हैं लोग हैं वो गंदा हो जाता है मच्छर आ जाते हैं उधर बहुत अनेक जंतु आ जाते हैं कीटाणु बढ़ जाते हैं हैं जा, और लोगों को व्याधि पहुंचा सकते हैं ऐसे है। कभी कभी गटर में भी पानी स्टैगनेंट पानी होता है उधर तक ऐसे करता है वो क्या उसमें उसको मेडिसिन क्या बोलते हैं उसको हाँ पेस्टिसाइड भी है कभी ये भी होता है कुछ दवाई भी होता है उसमें तो वो सब मच्छर सब भाग जाएंगे दूर करेक्ट है ना इसी तरह हरिनाम भी ऐसा है जिधर भी जाकर मार्केट में जाकर हरे कृष्ण छोड़ो उधर वो पवित्र हो जाता है उस उधर के जो मनुष्य हो कुत्ता हो बिल्ली हो पेड़ हो पौधे हो मच्छर हो मक्खी हो कुछ भी हो है? सब लोगों को हरिनाम मिल जाता है हरिनाम को सुनते हैं हमारा अनुभव हरिनाम करते करते जाते हैं कुत्ते भी ऐसे ऐसे देखता बहुत अरे क्या चल रहा है, है? मतलब सुन रहा है वो है नहीं सुन रहा तो क्यों देखता है ना तो इस क्यों बोला मैंने आपको ये कली कली के बारे में इधर बताया जा रहा है कि जब भगवान कृष्ण अप्रकट हुए इस दुनिया से अपने धाम के लिए लउ रहे थे उस समय भगवान के मन में एक विचार उठा कि अगर मैं धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर निकल जाऊंगा तो ये भौतिक दुनिया का अधोगति हो जाएगा ना एक श्लोक ऐसे आता है सब लोग बोलिए कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञादि कलौ नष्ट दृशा पुराणार्को अध बता दें कि कृष्ण स्वधामो उपगते अपने धाम में चले गए कृष्ण ज्ञान इत्यादि को लेकर धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर तब ये सारे दुनिया में अंधकार छा गया ऐसे बताया है तो भागवत में ऐसे वर्णन है कृष्ण की उपस्थिति में दुनिया कैसा था कृष्ण की अनुपस्थिति में इस दुनिया कैसे हो गई थी ये बताया गया जैसे आप देखेंगे एक पेपर के ऊपर अगर आप लोहे के टुकड़े डालकर एक चुंबक को ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ तो जिस दिशा में चुंबक घूमता है वो भी ऐसे घूमते हैं देखा आपने लेकिन अगर आप चुंबक को निकाल दिया तो वो बिखर जाते हैं उनमें कुछ ऑर्डर नहीं होता है लेकिन अगर चुम्बक ऐसे करो वो भी पीछे पीछे पीछ आएंगे ऐसे इसका तो मतलब इसी इसी तरह कृष्णा भी जब रहते हैं दी। उनके मया अध्यक्ष ने प्रकृति उनके नेतृत्व में सारे दुनिया नाचता है hmm. उनकी इच्छा के अनुसार आप हाँ पढ़ेंगे जब कृष्ण के अवतरण हुआ है इस दुनिया में उस समय चंद्रमा किस स्थिति पर थी वो अष्टमी था ना गोकुल अष्टमी बोलते हैं ना है अष्टमी के दिन चंद्रमा पूरा होता है थोड़ा आधा होता है करेक्ट है ना पूरा नहीं होता लेकिन भगवान कृष्ण को देखकर चंद्रमा इतना खुश हो गया हो गई वो सोचा कि ये तो चंद्र वंश में जन्मे है भगवान इसलिए वो दिन पूर्णिमा को प्रकट किया उन्होंने ऐसे बताया प्रकृति में सब बदल गए चंद्रमा भाई पूर्णिमा को प्रकट किया प्रकृति में मंद हवा बह रही थी कोयल कुहू कु ऐसे कोयल कुहू कर रहे थे और मोह मयूर नाच रहे थे और जैसे नदियों में पानी भर भर के आ रहा था गाय के स्तनों में पूरा इतना दूध थी गाय जब भागती हुई आती थी मुस्कुराते हुए उनके स्तन से नीचे गिरकर दूध का कीचड़ बना ऐसा बताया गया हाँ और सब देवी देवता फूल की वर्षा कर रहे थे आसमान से और सब ब्राह्मण लोग खुश हो गए कि कम से जैसे आ, असुर की वश में सारे दुनिया था पहले लेकिन अभी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए सब लोग खुश होकर मंत्रों का उच्चारण करने लगे सहस्र शेष पुरुष सहस्राक्ष सहस्र पाथ स्वृत्न अत्यधिंगुल इस तरह पुरुषोत्तम भगवान की गुणगान करते हुए ब्राह्मण लोग आनंदित होकर मंत्र का उच्चारण निडर होकर कर रहे थे ऐसा बताया तो भगवान की उपस्थिति में सब लोग घर घर में आनंद छा गया मेरी माता घर में हम छोटे बच्चे जब थे वो, वो चावल को पानी से मिलाकर भगवान के छोटे छोटे पांव बना देती वो घर के एंट्रेंस से ऐसे दो दो पांव ऐसे 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 दो दो पांव आएंगे सीधे जाएंगे कि तो मैं पूछता था ये किस बच्चे का ये है चिन्ह है बोलती वो वो थी, थी कृष्ण का है कृष्ण के दो दो पाँव तो मतलब कृष्ण आ रहे हैं बाहर से आ रहे हैं अंदर 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 आकर किधर जा रहे हैं सैंक्टम सैंक्टोरम जो गर्भगृह उधर तक करती थी गोकल अष्टमी के दिन ऐसे इसका तो मतलब गोकुल अष्टमी के दिन कृष्ण हर घर घर में आ जाते हैं हु? आनंद छा जा जाता है मंगलमय हो जाता है सारी दुनिया वेद का पाठ होता है सब लोग वैदिक संस्कृति के अनुसार जीवन जीते हैं किसी को कोई दुखित नहीं करता और मौसम भी एकदम बढ़िया है ज्यादा धूप भी खड़ी नहीं ज्यादा ठंडी भी नहीं किसी जनता का कुछ व्याधि नहीं लोगों के मन में कुछ मन मुटाव नहीं सभी एक दूसरे को प्रेम से आदर से डीलिंग करते हुए सब लोग खुशी से रहते हैं इस तरह कृष्ण की उपस्थिति में सारे दुनिया कैसी थी बुंदी ने भी बताते हैं इस तरह आपके श्री चरणों पढ़ने से हमारे हस्तनापुर में हस्तनापुर की शोभा बढ़ गई है नेयम सोबिश्यम गंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित आपके श्रीचरण श्रीचरणों का चिन्ह एकदम चकाचक चमकती हुई दिख रहा है उनको सोलख चिन्ह है उसमें है आपके श्रीचरणों में और उसके आपके श्रीचरण हमारे भूमि में पड़ने के कारण समृद्धि ही समृद्धि है ऐसे बोल रही हो तो आप देखेंगे भक्त भी जो भगवान की भक्ति में जुड़ गया कोई भक्ति वो असली समृद्धि को वो देख सकता है प्रौपा बता रहे हैं कि सेकंड वर्ल्ड वार जब चल रहा था उस समय चावल जो थी उसका दाम बहुत बढ़ गया जो जैसे दो रुपये का था उसका दो सौ रुपया ऐसे बहुत बढ़ गया अनेक लोग मर रहे थे वो खरीद नहीं पाए प्रौपा बोले कि प्रौपद जी और उनके निकट रहने वाले सब वैष्णव कैसे उस फैमैन के समय जिया भगवान को ही पता उनको कभी भी कमी नहीं रहा है उस समय भी भी उस समय को भी पार कर लिया वो लोगों ने आसानी से प्रोपोज लेते हैं आप पढ़ेंगे लीला ला मृत में आप पढ़ेंगे ऐसे ऐसे भक्त होते हैं भक्तों का ख्याल भगवान खास रखते हैं तो कुंती बोल रही है कि आपकी नेत्र की दृष्टिपात से और आपके श्रीचरण हमारे धरती में पड़ने से मंगलमय वातावरण छा गया तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो उधर भगवान का उपस्थिति है यत्र गायंती मदभक्ता तत्र तिष्ठा में नारदा भगवान जाते हैं जिस स्थान में भगवान का नाम प्रेम से निसह भावना से निरपराध भावना से पुकारा जाता है उस स्थान में भगवान उपस्थित हो जाते हैं अगर भगवान की उपस्थिति है तो उनके नेत्रपात तो जरूर है दृष्टिपात है उनके दृष्टिपात है उनके सी चरण है तो उस स्थान में समृद्धि ही समृद्धि है तो आ, इसलिए कली को भगाने का मार्ग इधर बताया गया है जब भगवान को लाते हैं कली भाग जाता है जब भगवान निकल जाते हैं कली आ जाता है ऐसा है इस तो, इसलिए बताया गया रोशनी और अंधेरा के दोनों का उदाहरण दिया है दोनों साथ नहीं रह सकते हैं एक रहता तो दूसरा निकल जाता है ऐसे तो ये कली पुरुष जो है ये चौथा युग कली युग के लोगों को विविध तरह के बहुत बुरे आदतों से उनको व्याधिग्रस्त करेगा ये कली उसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप बारहवां स्कंद पढ़ना चाहिए 12 स्कंध में आप पढ़ेंगे कली के सिम्टम्स जो लक्षण है अनेक बताया गया है दाम्पत्य अभिरुचिर हेतु बताते हैं कि स्त्री पुरुष एक दूसरे को देख कर निर्णय कर लेंगे विवाह कर लो करके कोई स्त्री देखेगी पुरुष को अच्छा इसका खमाही बहुत अच्छा है हाँ ये तो महीने में पाँच लाख कमाता है चलो विवाह कर लो है ऐसे सोचेगी और पुरुष स्त्री को देखेगा हो ये गोरी है बहुत खूब खूबसूरत दिख रही है मुझे भोग मिलेगा करके वो विवाह करेगा ऐसे हैं इस तरह ऊपर ही ऊपर देख कर विवाह करना इसी तरह आ, विप्रत्वे सूत्र में वही बोलते हैं कि ब्राह्मण लोग कलयुग में जने पहन लेंगे लेकिन गायत्री नहीं करेंगे और मंत्रों का उच्चारण नहीं करेंगे शास्त्र नहीं पढ़ेंगे शास्त्र के अनुसार नहीं चलेंगे ऐसे बताया गया दक्षिण भारत में एक इस्कान डिवोटी उनको उनके बेटे का विवाह हो रहा था तो उन्होंने सोचा कि कुछ अच्छे ब्राह्मणों को लाकर हम कुकिंग करके भगवान को भोग चढ़ा कर सबको दे देंगे हैं ब्राह्मण लेके आने के लिए गए थे वो तो जो ब्राह्मण कुकिंग करने के लिए आए वो एक दम एकदम ऐसे जने पाने थे चकाचक सफेद था नया नया दिख रहा था तो तो बाद में उनको पता चला कि ये लोग सिर्फ जब इस तरह कुकिंग के लिए आते हैं तब पहनते हैं बाकी टाइम उसको दीवार में लटका देते हैं अपने घर में क्यों क्योंकि बाकी सब कुछ करना है पीना है सिगरेट फूकना कैसे करेंगे हैं इस तरह ब्राह्मण के खानदान में जाने में बच्चे भी जो गुरुकुल में जाते थे वो भी आजकल बिगड़ गए हैं वो भी शराब पीते हैं नशा लेते हैं चार नियपाल नहीं करते आजकल ये खलीग की हुई बहुत अभिशाप है प्रत सूत्र में वही ऐसे बताते हैं हेतु इस बताते हैं लावण्यम केश धारण पुरुष लोग बहुत लंबे बाल रखेंगे आजकल देखते हैं बहुत लंबे लंबे बाल रखते हैं लोग हैं बहुत लंबा क्या बोलते हैं उसको फंक बोलते हैं, उसको? हैं? बहुत लंबा रहते है और स्त्री लोग काट देते हैं उसका बाल काट देते ऑपोजिट रहता इसे। है बॉय कट बोलते हैं इसको तो इस तरह अनेक मैं दो चार बोल रहा हूँ आपको ऐसे अनेक चीज है आप पढ़ेंगे उधर वो लक्षण जो भी बताया है भागवत में सब लक्षण एक एक करके सत्य बनता जा रहा है तो कलियुग के प्रभाव से जिस्म प्रायम च व्यवहारम कर्मम च सौहृदम पितृमात्रहृद भ्रातृद ये दुष्ट महाराज ने देखा कि कृष्ण की अनुपस्थिति में भाई भाई भी झगड़ा कर रहे थे हाँ। जमीन के लिए पैसे के लिए घर में दंपतियों के बीच में है, हाँ। पति पत्नी को मन मुटाव हो रहा था झगड़ा कर रहे थे वो एक दूसरे के साथ अहंकार के वश में आकर और बच्चे भी माता पिता की बात नहीं मान रहे थे मनमानी कर रहे थे हाँ। इस तरह न्यूज मार्केट बड़ा आश्चर्य हुआ अरे मेरे राज्य में ऐसा कभी नहीं हुआ है क्यों ऐसे लोग बदल गए तब उनको पता चला कि भगवान अपने धाम लौट गए चले गए अभी सब कली का प्रभाव चालू हो गया अभी कली के चार प्रभाव हैं में आपको प्राप्त होगा हो पढ़ते समय सर्वप्रथम हिपोक्रेसी व इंडिपेंडेंट मेंटेलिटी एंड रिबेलियन ये चार चीज है हिपोक्रेसी का मतलब क्या है कुटीनाटी धोखाबाजी वो हिपोक्रेसी बोलते हैं उसको हाँ कोई धोखाबाजी करेगा कोटी नाटी करेगा था? आप उसको कान पकड़ो है क्यों करते हो तुरंत तो तो क्या करेगा वो कौरल झगड़ा करेगा अरे कौन को मुझे पूछने वाला है तुमको क्या मालूम मेरे बारे में मालूम है ऐसे झगड़ा करेगा वो था? अब झगड़ा करके तीसरा क्या करेगा था? वो रिबल करेगा रिबल मीन्स विंदी विद्रोह करेगा वो वो बोलेगा तुमको जो करना है करो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा ऐसे विद्रोह करेगा लास्टली क्या करेगा इंडिपेंडेंट मेंटालिटी वो इंडिपेंडेंट चला जाएगा वो हा? ये चार देखा जाता है हा? ये कलयुग के जमाने में इसका मतलब है हम ये चार चीजों से वर्जित होना चाहिए छोड़ देना चाहिए हमको हा? इसका मतलब है जैसे छोटे छोटे चीज के लिए लोग बड़े बड़े झगड़ा करेंगे छोटे चीज के लिए भी हा? एक्चुअली ये छोटे चीज के लिए झगड़ा करने की आदत कैसे आता है इफ यू टेंट बी सार्केस्टिकोस्ट अबाउट अवर ओन ग अगर कोई अपना बड़ापा आ, बड़ापा के बारे में बोलना चाहता है कोई नहीं तो दूसरों को आलोचना करने में मजा लेता है कोई हा? उसको अगर आप देख रहे हैं कोई सड़क में चल रहा है एक केले का छिलका था पाँव रखा फिसल कर गिर पड़ा आप क्या करोगे कितने लोग हंसेंगे हंसना ठीक है तुरंत तो जाकर उनको उठाना ठीक है हाँ लेकिन हंसना का मतलब है दूसरों की तकलीफ में सुख करेक्ट है ना तो इस तरह बता अगर हम दूसरों के दुख में दुख पाते हैं नहीं तो हम दूसरों को आलोचना करते हैं अनावश्यक नहीं तो बड़े से सार्कैस्टिक है सार्कैस्टिक रिमार्क मजाक मजाक इज जोकिंग अबाउट दैम ध्यान ताना हाँ ताना बोलते हैं ताना है तो so, सार्कैस्टिक व्यंग्य करना है? ताना ऐसा रहे सार्केस्टिक बातें करना उनके बारे में और एकदम क्रिटिकल होना क्रिटिकल का मतलब है हा? जैसे कुछ कुछ लोग छोटे छोटे चीज़ को बड़ा कर देते हैं मेकिंग अ मोल इन द माउंटेन है छोटे चीज़ को एक ठीक है एक वक्त में थोड़ा दोष है उसको लेकर व्हाट्सएप में नहीं तो उसमें फैला देते हैं अनेक लोग उसको जाकर नहीं बोलेंगे उसको छोड़कर बाकी सबको बोल देने का सब लोग आ, उसके पास आएंगे अरे तुम्हारा ऐसा हो गया क्या ऐसा हो गया वो बोलेगा मुझे कोई नहीं बोला मुझे उसको छोड़कर बाकी सबको हजारों लोगों को भेज दो ऐसे तो ये कलयुग का और ये जो सोशल मीडिया आने के बाद इसका समस्या और भी बढ़ गया इसके कारण कोई भी कुछ भी बोल देता है किसी को भी है झगड़े बढ़ जाते हैं आसानी से तो आ, और साथ साथ हिपोक्रेसी का मतलब क्या है खूटी नाटी धोखाबाजी का मतलब क्या है आ, बोलना कुछ और करना और कुछ हाँ। जैसे एक कोई भी व्यक्ति हो अपने पत्नी को छोड़कर बाकी सब स्त्रियों को माता के रूप में देखना चाहिए और आजकल के कलयुग में क्योंकि लोगों का मन और इंद्रियों का संयम नहीं है कोई भी व्यक्ति किसी भी परस्त्र के साथ दुर्व्यवहार करता है या तो लिखता है कुछ व्हाट्सएप में नहीं तो फोन में कुछ बात करता है नहीं तो सीधा भी सामने जाकर उसके साथ बेशरम होकर कुछ बातें करता है कुछ लोग हैं ये और कुछ कुछ लोग अविध संग भी कर देते हैं तो ये इसके कारण क्या होता है सब रिकॉर्डिंग हो जाता है आजकल करेक्टर है सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग कर देते हैं और वो स्त्री भी उनको छोड़ेगी नहीं हैं बोलेगी अभी चलो अभी पुलिस में तुमको दे दूंगा मैं सब एक्सपोज कर दूँगी तुमको तो सारे दुनिया में ये चल रहा है इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी है हिपोक्रेटिकल बिहेवियर का मतलब है सही ढंग से व्यवहार करना नहीं करना सही ढंग से है तो हिपोक्रेसी इन मनी डीलिंग्स हिपोक्रेसी इन वुमन डीलिंग्स मैन वुमन रिलेशनशिप एक कॉलेज का लड़का आकर मेरे पास रो रहा था वो बोल रहा है कि मेरे पिताजी किसी और परस्त के साथ संबंध रखे हैं ऐसे बोल रो है मैंने बोला उनको मंत्री मिला माता पिता को ठीक हो जाएगा सुधर जाएंगे वो बोला वो मेरा प्रॉब्लम नहीं प्रभु जी मेरी माता भी बोलती है कि तुम अब दूसरे के साथ समझ कर मैं भी रखूंगी उसके साथ कंपटीशन कर रही है ये भी है ये दोनों को मालूम है कि दोनों किसी और के साथ संबंध जोड़ रहे हैं और जब घर में आते हैं ये सोचती है वो मेरे बारे में बोलेगा तो मैं उसके बारे में बोल दूंगी हाँ ये किस तरह की घर है वो बोलता घर जाने के लिए मन ही नहीं कर रहा है मुझे वो बोल रहा है ऐसे तो अभी बच्चे भक्ति में आ रहे हैं बच्चे को सिखाना पड़ता है माता पिता को हाँ बच्चे बोल होते माता पिता को क्या कर रहे हो आप लोग उसके पिताजी का वॉयस लगभग पचपन से ज़्यादा है बियॉन्ड फिफ्टी सिक्स फिफ्टी एट इस उम्र में भी उसके दो तीन बच्चे हैं बड़े बड़े बच्चे हैं बेशर्म होकर में कुत्ते बिल्ली जैसे लोग डीलिंग करते हैं कलीग में तो इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी हिपोक्रेसी मनी डीलिंग लैंड डीलिंग जमीन की डीलिंग में पैसे की डीलिंग में हा? मनी स्कैंडल करना और दुर्व्यवहार करना पुरुष स्त्री के संबंध में नहीं तो पैसे का दूसरे के पैसे को हड़पना तो ये सब हिपोक्रेसी है हिपोक्रिटिकल बिहेवियर और जो साधु लोग भी जो है वो लोग लेते हैं अगर पैसा लेते हैं तो सही ढंग से उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए हैं? अगर कोई पॉकेटिंग कर देता है इसलिए लोगों को विश्वास भी उड़ जाता है हैं? तो लोग देखते हैं कि कलियुग कलियुग कलि के ज़माने में अगर कोई सही ढंग से सही साधु नहीं बनता है अगर उसको धर्मध्वजी बोलते हैं धर्मध्वजी का मतलब है ध्वज का मतलब झंडा बाहरी रूप से साधु बाबा का बहुत कुछ का बड़ा दाढ़ी है बड़ा मूंछ है बड़ा बाल है देखने में बड़े ऋषि जैसे दिखता है लेकिन करता है सब गलत काम ऐसे ऐसे आजकल एडवर्टाइजमेंट में भी अब देखते हैं जो लोग बड़े बड़े आईटी कंपनी में काम करने वाले बोले बड़ा दाढ़ी रखते हैं ऊंच रखते हैं बड़ा लंबे बाल ऋषि जैसे दिखते हैं वो देखने में लेकिन देखो वो फूंगते हैं हैं सिगरेट पूता है शराब पीता है अवैध संघ रखता है लेकिन देखने में ऋषि जैसे एक डेकोरेशन इसको बोलते हैं हैं है, इसको। धर्मध्वजी का मतलब है धर्म का दिखावा करना लेकिन असली रूप में धर्म को पालन नहीं करना इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी छोटे छोटे चीजों के लिए झगड़ा क्वारल करना ये को, एक बार ये जोल भक्ति महाराज गुना में आए थे वो बताया उन्होंने कली पांच जगह में वसन करता है द्योतम पानम स्त्रिया सोना यधर्मचतुर्विद चार अधार्मिक कार्य है उधर कली रहता है क्योंकि कली को परिषित महाराज ने ये चार स्थान दिया उनको रहने के लिए अभ्यर्थ स्था तस्म स्थानी कलिए दद दूत पानम यात्रा यधर्मचतुर्विद तो चार चतुर्विद के चतुर्विद चार वेराइटी के अधर्म हैं वो स्थानों को दिया कली को कली मेरे राज्य में इधर उधर घूमना नहीं मैं चार स्थान दूंगा तुमको उधर ही रहना ठीक है किधर किधर दिया उन्होंने जिधर स्त्री पुरुष अवैध संघ करते हैं उधर रहो और जिधर लोग मांसाहार करते हैं उधर रहो जिधर लोग जूत क्रीड़ा करते हैं उधर रहो जिधर लोग सिगरेट फूकना नशा लेना ड्रग्स लेना नशेली व्यसन ने पड़े रहना उधर रहो तो कली ने कली ने देखा परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान है ही नहीं कोई शराब नहीं पीता कोई सिगरेट नहीं फूटता कोई अवध संग नहीं करता सब लोग धार्मिक लोग हैं कली आकर रोने लगा राजा को बोला कि राजा बड़े बुद्धिमान हो इस तरह चार स्थान देकर मुझे आपके राज्य से बाहर ही भगा दिया आपने मैं भी आपका प्रजा हूं मुझे भी एक स्थान दे दीजिए कम से कम और एक स्थान जोड़ दीजिए ऐसे बोला उन्होंने तब परीक्षित ने सोचा क्या दिया जाए तब उन्होंने बोला कि जिधर लोग बहुत ज्यादा धन दौलत सोना चांदी इत्यादि को इकट्ठित करते हैं उस स्थान में भी तुम रह सकते हो इसलिए गृहस्थ जो होते हैं भक्त लोग उनको दान देने का आदत तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दान देते समय किस मूड में दान देना चाहिए किस भावना के साथ देना चाहिए मान लीजिए अगर आपके कंधे के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर हो और कोई आता है बोलता है कि पत्थर दे दो आप उसको पत्थर दे दिया तो आपको क्या मिलता है आपको निवारण मिलता है इस तरह दान देने वाला सोचना चाहिए थैंक यू लक्ष्मी को आपने भगवान की सेवा में ले लिया थोड़ा निवारण दे दिया आपको ऐसे देना चाहिए बोलते हैं क्योंकि अगर आप लक्ष्मी को भगवान के दान में नहीं देते हो जितना हम इकट्ठित करते हैं इकट्ठित करने वाले लोगों के घर में झगड़ा होता है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम नहीं लेना चाहता मैं लेकिन बड़े बड़े धनिक आंदन में भी भाई भाई झगड़ा कर रहे हैं जिनके पास पैसा बहुत है आप देख सकते हैं तो मैंने सुना एक बार कोई ऐसे ही एक वैश्य परिवार था उधर चार भाई थे उनके अनेक प्रॉपर्टी थे स्कूल था कॉलेज था और गांव में भी जमीन थी हाँ तो वो लोग पंडरपुर में ऐसे एक बिल्डिंग सुंदर चकाचक इमारत बनाया था जो ग्रेनाइट वगैरह डालकर सुंदर वो तीन चार माले वाला मकान बनाया था इनके पिताजी जब डिवाइड कर रहे थे प्रॉपर्टी भाइयों के बीच में बड़ा झगड़ा उत्पात मच गया झगड़ा मच गया है क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि ये मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए सब डिवाइड अच्छी तरह से कर दिया लेकिन वो बिल्डिंग रह गया है एक लास्ट में तो चारों भाई उसके लिए झगड़ा कर रहे थे पिताजी ने सोचा क्या किया जाए वो अक्सर पंडरपुर मंदिर में जाते थे तो एक दिन आकर पिताजी ने सुझाव दिया भाइयों को ठीक है हम इसको मंदिर को दे देते हैं आपको क्या लगता है चारों को चारों भाई मान लिया ठीक है मंदिर को देना तो दे दो लेकिन दूसरे को नहीं देने का अभी मंदिर को आ गया वो भी अभी लोकनाथ स्वामी को दे दिया वो लोगों ने भी हम एक बार गए थे उधर देखा वो बिल्डिंग बोलने का मतलब क्या आप देखेंगे इस तरह है। आप देखेंगे कि अगर हम आ, 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 इस दुनिया में पैसे के लिए स्त्री के लिए जमीन के लिए इंसान बड़ा झगड़ा करता है और खरीक में वो झगड़ा और भी बढ़ जाता है तो इसलिए उन्होंने बोला कि धन दौलत अर्जित करना ही चाहिए गृहस्थ को बैंक अकाउंट में बैंक में स्टॉक रखना पैसा रखना क्योंकि खुद का भी घर चाहिए पैसे भी सेविंग करना चाहिए लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पैसा सेविंग करने के लिए योजना कोई बनाता हो वो तो इस दुनिया में फंस जाता है वो आप देख सकते हैं जैसे एक उदाहरण देते हैं प्रहलाद महाराज ये सिल्क वम होता है ना उसको क्या बोलते हैं रेशम का कीड़ा तो रेशम का कीड़ा वो उनके मुंह से कुछ द्रव निकलता है वो तो ऐसे वो द्रव एकदम मुलायम होता है वो लेकिन निकालते 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 इतना निकलता है उसके मुंह से धीरे धीरे उसके ऊपर एक आवरण बनता है वो भी मुलायम होता है लेकिन कुछ समय के बाद वो सूख जाता है ना तो अब पत्थर जैसे हो जाता है अब पता चलता है इस कीड़े को अरे बाप रे बाप मैं इसके अंदर फंस गया अब ये सूख गया मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा ऐसे उसको पता चलता है बाद में तो ये उदाहरण देते हैं प्रहलाद इस दुनिया में हम लोग अनेक चीज जिनको इकट्ठित करते 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 जाते हैं बाद में वो ही हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं हम उन चीजों के बीच में पड़ जाते हैं और हम बाहर निकल नहीं पाते हैं कर्म बंधनों से हैं। और फंसी जाते हैं दुनिया में रह जाते हैं भक्ति करने के लिए टाइम नहीं भगवान के लिए टाइम नहीं संत महात्मा के संग करने के लिए टाइम नहीं और इतना पैसा है इतना बच्चे हैं इतने बिजनेस है इतना बड़ा घर है इतना प्रॉपर्टी है इसको देखो उसको देखो, देखते, देखते 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 मर जाता है इंसान एक दिन और आगे का किधर है क्या किधर जा रहा है मालूम नहीं उसको ऐसे इसलिए उन्होंने बोला है स्थान तो पांच स्थान क्या क्या है अवैध संघ करने वाले और नशा ये मांसाहार करने वाले नशा करने वाले द्युत क्रीडा करने वाले और बहुत ज्यादा चीज़ों को इकट्ठित करने वाले हैं ये पांच स्थानों में रहने के लिए उनको स्थान दिया कलीराज को तो इसके कारण आप देखेंगे प्रौपा जी जब ये संस्था चालू की इसकान संस्था तो उन्होंने ये सब अच्छी तरीके से जान कर समझ कर उन्होंने क्या किया ये चार नियम शुरुआत के दिनों से ही दे दिया अवैध संघ नहीं मांसाहार नहीं नशा नहीं दूध क्रीड़ा नहीं इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं हम जितना स्ट्रिक्टली हम फॉलो करेंगे उतना हम लोग ऊपर उठ जाएंगे कर्मबंधनों से अभी इसमें देखिए अवैध संघ का मतलब तो स्त्री पुरुष का आ, संग जो अवैध का मतलब है एक व्यक्ति विवाह कर सकता है लेकिन विवाह के बाहर संबंध नहीं रखना चाहिए यौन संबंध अब विवाह के पहले यौन संबंध नहीं रखना चाहिए हम गए थे हमने देखा कलकत्ता में न्यू टाउन में मार्केट में हम लोग गए थे शाम के टाइम देखा इतने लड़का लड़की सब शर्ट्स पहन कर हैं उधर मार्केट में घूम रहे हैं सब आईटी टी कंपनी तो तब मैंने पूछा अरे ये लोग इतना लड़के लड़की एकदम फ्रीली संबंध रखते हुए चल रहे हैं वो बोले कि जब से भारत में जो लिविंग टुगेदर का पॉलिसी आ गया ला पास हो गया है उसके बाद सब एकदम कुत्ते बिल्ली हो गए लोग हैं ये लोग नहीं, क्या नहीं किया है अभी अमेरिका में जो हिपी का कल्चर आया था नाइनटीन सिक्सटी फाइव में अभी भारत में आ रहा है अभी आप देख सकते हैं उधर हमने देखा ये लोग शराब पीते हैं नशा लेते हैं ड्रग्स लेते हैं ऐसे जीते हैं एक दिन एक के साथ सोना दूसरे दिन दूसरे के साथ सोना कहीं भी खाना कहीं भी सोना कहीं भी, कहीं, भी कहीं भी काम करना कहीं भी उड़ना फ्लाइट में पैसा सिर्फ पैसा कमाओ बैंक में पैसा डालो हाँ और इस तरह अनेक लोग मर भी जाते हैं अनेक लोग ड्रग हैबिलिटेशन हॉस्पिटल में एडमिट किए होते हैं अनेक लोग आजकल ड्रग हैबिलिटेशन हॉस्पिटल जो है बढ़ गया आजकल हैं पूना में भी दो बड़े हॉस्पिटल मालूम है आपको एक इस साइड में भी है इंचवाड़ी की साइड में भी एक है उस साइड में शहर में भी है बड़े बड़े अस्पताल हैं क्योंकि इन लोग इतने बिगड़ जाते हैं गली के चंगुल में आकर हैं तो वो लोगों का मनुष्यत्व रहता ही नहीं में, है। ऐसे तो इसलिए बताते हैं कि प्रॉपर जी ने ये चार नियम स्ट्रिक्टली पहले से सिखा दिया तो ये एक व्यक्ति बोला प्रभु जी को मिस्टर गोल्ड स्मिथ ने बोला स्वामी जी आप इतना चार नियम डालोगे अमेरिका में आपका संस्था मशहूर नहीं हो सकता जी बोले मैं इधर अमेरिका में नहीं आया हूँ इन लोगों को खुश करने के लिए ऐसे बोले प्रपचा जी मैं सत्य बात बोलना पड़ेगा हमको भागवत में जो बताया है वही मैं बताऊंगा ऐसे बोलकर प्रभपा जी ने यह चार नियम दिया और पांचवा नियम जो है जो वन शुड नॉट होल्ड गोल्ड और डायमंड उसके लिए प्रपच ने क्या किया हर एक ग्रहस्थता है तो तात्पर्यो अनेकान सुनने के लिए तो ये एक व्यक्ति क्लास सुन रहा था मैं जब दे रहा था जब मैंने पढ़ा फिफ्टी परसेंट वो बोला स्वामी जी आपने क्या बोला फाइव परसेंट बोला क्या इस मैंने पढ़ा वापस देखो बोर्ड में डाल दिया हमने दिखाया देखो फिफ्टी परसेंट लिखा प्रॉपर तो वो बहुत आश्चर्य हुआ उसको अगर फिफ्टी परसेंट दे दिया तो हम, हम हम हमारे पास जो बचा सिर्फ खाने का पीने का सोने का कंपनी जाकर आने का उतना ही बचेगा ना बाकी कुछ नहीं कर सकते हैं हम तो प्रभाव जी बोलते हैं वही बात है क्योंकि अगर तुम्हारे पास पैसा बचता है कलीग में उसका दुष्प्रयोग करोगे ही करोगे जरूर होता ही है दुष्प्रयोग उसका ज्यादा बचने से हाँ। अभी अनेक लोग भक्ति में आ रहे हैं भक्ति मार्ग में लेकिन भक्ति मार्ग के साथ साथ कितने लोग सीक्रेटली बॉलीवुड हॉलीवुड देख रहे हैं गाना सुन रहे हैं किधर किधर घूम रहे हैं तो पैसा जब आता है हाथ में उसका दुष्पयोग होता ही है कलयुग में है इसलिए जी बोला करते थे दे देने का भगवान को दे दिया आपने उसका सदुपयोग होता है तो वही किया परीक्षित महाराज ने सारे दुनिया में सोना चांदी धन दौलत इत्यादि को एकत्रित करके उन्होंने संकीर्तन मूवमेंट में लगा दिया उसको अभी संकीर्तन मूवमेंट में अनेक चीजों की जरूरत पड़ता है कैसे जैसे हम लोग बैनर लेकर जाते हैं प्रसाद बनाकर वितरण करते हैं लोगों को करेक्टन किताबें करते हैं छाप कर आध्यात्मिक ऐसे हैं और साउंड सिस्टम ला ले लेके आते हैं और ऐसे लोगों को एकत्रित करके गाड़ी में लेकर आते हैं और हरिणाम कराते हैं तो इसमें खर्चा कर दिया उन्होंने कहा राजा परीक्षित ऐसे इस तरह उन्होंने कहीं भी लोगों को छोड़ा नहीं कि ज़्यादा पैसा इकट्ठित करने के लिए क्योंकि इकट्ठित करने से उसको दुष्प्रयोग होता है ऐसे तो इसलिए प्रभुपा जी ने बड़े बड़े मंदिर कड़ा किया हैं तो मंदिर कड़ा करने से क्या होता है हा? वो मंदिर के लिए अनेक बड़े बड़े धनी लोग ऐसे लोग जो इकट्ठित करते हैं वो दे देते हैं भगवान को तो उनका भी जीवन पवित्र हो जाता है साथ साथ मंदिर में आने वाले लोगों को भी भगवान की कथा मिलता है कीर्तन मिलता है प्रसाद मिलता है नाम मिलता है दर्शन मिलता है सब कुछ मिल जाता है उनको भी सबके लिए लाभ है वो तो इसलिए आप लोग इधर से विशाल नगर में नए मंदिर बनाने जा रहे हो ये श्लोक को लेकर आप बता सकते हो लोगों को पांच जगह रहता है कली पांचवा जगह किधर है सोना चांदी पैसा ज्यादा एकत्र करना उसमें बैठा हुआ हो इसलिए आप बोलिए भगवान के लिए मंदिर के लिए दान दो बच जाओगे आप।, आप बोल सकते हैं करेक्ट न कर्नाटक खुश हो जाएंगे आपसे तो इस तरह भगवान की उपस्थिति में दुनिया बहुत सुंदर था लेकिन भगवान अपने दाम लौटने के बाद जब खली आ गया तब खली के प्रभाव में अनेक लोग आ गए और अनेक गंदे आदतें आ गई और इधर जी बता रहे हैं इस तात्पर्य में दो पार्ट है पहले पार्ट में उन्होंने बताया भगवान तथा तो उनके नाम यश गुण सभी अभिन्न हैं भगवान की उपस्थिति के कारण कली पृथ्वी की सीमा में प्रवेश नहीं कर पा रहा था इसी प्रकार यदि इस भगवान के पवित्र नाम गुण आदि का सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा इसलिए आप देखेंगे भगवान बताते हैं प्राणा बोधयंत परस्परम कदयंत नित्यम तुष्यंती च बताते हैं द थॉट्स ऑफ माई प्योर वोट ड्वेल इन मी एंड दे ऑलवेज डाइट इन कन्वर्सिंग अबाउट मी विथ वन अनादर भगवान बताते हैं मेरे भक्तों का चिंतन हमेशा मेरे में रहता है भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि के बारे में वो चर्चा करते रहते हैं भक्त लोग हैं उसमें आनंदित होते हैं जैसे विदुर मिलते हैं उद्धव जी को बहुत अच्छा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है उधर इसी तरह परीक्षित मिलता है सुखदेव गोस्वामी से तो शौनक आदि ऋषि मिलते हैं सुत गोस्वामी से तो इस तरह जब भक्त लोग एक दूसरे के साथ मिलते हैं क्या बात करेंगे वो भगवान के इस दुनिया में अवतरण उनके लीलाएं भगवान के शिक्षाएं इत्यादि के बारे में वो बातें करेंगे जैसे अगर एक रोगी रोगी को मिलता है वृद्धावस्था में वो दोनों बात करेंगे नेचुरोपैथी एलोपथी होम्योपैथी सब पति लक्ष्मीपति को छोड़कर बाकी सब पति बात करेंगे करेक्ट है ना ये सर एक शराबी दूसरे शराबी के साथ मिलेगा वो ब्रांड के बारे में बात करेगा तुम क्या ब्रांड पीते हो मैं क्या ब्रांड पीता हूँ करेक्ट ना ऐसे हूँ इसी इसी तरह आप देखेंगे अगर कोई लोभी व्यक्ति मिलता है तो पैसे के बारे में बात करेंगे अभी मार्केट में क्या चल रहा है ये शायर का रेट कितना है वो शायर शायर का रेट कितना है एक व्यक्ति था उसके दुकान में बैठा हो मैं जब गया बोला कि स्वामी जी आपको देख शांत महसूस होता है आप हमारी दुकान में एक घंटा हैं बोला हाँ और मैं देखा वो बोल रहा था कि उसको थोड़ा हार्ट प्रॉब्लम है उसका हार्ट में वो थोड़ा एक बार हार्ट अटैक होने जा रहा था उसको हाँ। वो बोला कि आप इस तरह आते हाँ जाइए रेगुलर तब मैंने देखा उधर सामने एक टेलीविजन लगाया था जिधर शेयर मार्केट का सिचुएशन दिखाते जा रहा मैंने बोला आपके हार्ट प्रॉब्लम ये का ये मूल कारण है इसको निकाल दीजिए इसको वो बोल रहे हैं मालूम है प्रभु जी फिर भी क्या करें हमको पोजिशन की क्या चल रहा है वो देखना होता है नहीं तो प्रॉफिट कैसे आ पाएगा तो इस दुनिया में लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं समझा ना आपने हुँ? तो लोग चाहते हैं शांति लेकिन शांति सूत्र भगवान 5.29 में बताते हैं भगवान है शांति सूत्र क्या है समझो कि सब दुनिया भगवान ने बनाया है इसलिए भगवान के हैं सब दुनिया के पदार्थों को उनके से में लगाना चाहिए हा? तो आ, सरल है भोक्तार यसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूता शांति मृतती तीन चीज भगवान बताते हैं अर्जुन अपने आप को तुम केंद्र बिंदु मत मानो भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर जीवन जियो जीव। सारे दुनिया उन्होंने बनाया है हर फूल जो है भगवान के लिए अर्पित करने के लिए योग्य है हर फल जो है पेड़ फल बनाता है भगवान को अर्पित करने के लिए जैसे पहाड़ रत्न बनाते हैं ताकि हम आभूषण बनाकर भगवान को बनाए हाँ इस तरह आप देखेंगे प्रकृति में जो भी प्राप्त तो होती है वो सब भगवान की सेवा के लिए हमारे पास भी अगर मस्तिष्क हो बुद्धि हो उसका सदुपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए अगर कोई गायक हो तो भगवान के लिए गाना चाहिए कोई वैज्ञानिक हो विज्ञान के द्वारा भगवान को उपस्थिति के बारे में निरूपण करना चाहिए ऐसे व्यक्ति हैं कोई लड़की नृत्य करती हो तो भगवान के लिए भरतनाट्यम कर सकती है कुछ पुड़ी ऐसे कर सकती है सब चीज़ों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए अगर ये कोई करता हो तो शुद्ध होगा वो तो हम लोग इस तरह के लोगों को बता सकते हैं कि हम मंदिर बनाने जा रहे हैं और मंदिर मंदिर ऐसी जगह है जिधर हम लोग इन दुनिया के चीज़ों को खुद भोग ना करते हुए भगवान की सेवा में लगाएंगे उनको केंद्र बिंदु बनाकर तब हम असिल इसको प्राप्त करेंगे ना जैसे हम हाथ से पेट में डालने से हाथ को लाभ इस तरह हाथ शरीर का एक अंश है अंश खुद नहीं भोग सकता लड्डू लेकर अगर बालाजी लड्डू को लेकर आप ऐसे करेंगे हाथ को कुछ नहीं होगा हा? लेकिन पेट को दो हाथ को लाभ होता है पेट को देने से हाथ को नुकसान है क्या नहीं यही लोगों को बताना चाहिए भगवान को देने से तुमको नुकसान नहीं तुमको लाभ है क्योंकि तुम भगवान का अंश हो अंश अकेले भोगने के लिए ट्राई करेगा तो भोग नहीं कर पाएगा भगवान को देने से तुम्हारा असली सुख है यही सिखाना चाहिए लोगों को और आ, आ, ये एक पॉइंट बताते हैं प्रभुपाद जी आ, भक्त लोग आपस में आकर भगवान के लीला कथा इत्यादि का श्रवण करना चाहिए श्रवण करने से भगवान की कृष्ण उपदेश है कृष्ण लीला कथा है, है? कृष्ण लीला कथा से हमारे मन पिघलता है कृष्ण के उपदेश से हमें एक दिशा मिल जाता है गंतव्य स्थान समझ जाते हैं हम लोग सही ढंग से है हमें कृष्ण उपदेश कृष्ण कथा दोनों चाहिए है हमको और भक्त भक्त का मतलब वही है जी की इच्छा थी कि इस तरह के इस कान मंदिरों में कृष्ण दर्शन प्राप्त हो कृष्ण लीला कथा का प्रचार प्रसार हो कृष्ण नाम का वितरण हो कृष्ण शिक्षा का उनके किताबों के द्वारा वितरित वितरित हो और कृष्ण भक्तों का संग सब लोगों को प्राप्त हो मंदिर में प्राप्त होते हैं भक्त लोग जो आप आते हो तो उनसे पूछताछ करके जिज्ञासा करके आने कुछ चीज़ आप लोग सीख लोगे हैं जीवन की शैली कैसी होनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए सब कुछ और इसके द्वारा लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा इधर विशाल नगर में भी बहुत सालों से कर्नाटक प्रभु और गौरला प्रभु ये लोग इस एरिया में प्रचार करते आए हैं उसके बाद अनेक आप लोग भक्त लोग जुड़े हैं धीरे 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 जुड़कर अभी हम देख सकते हैं जो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हरे कृष्णा एक्सप्लोजन है एक तरह का एक्सप्लोजन चाल हो गया इधर है बहुत बड़े मात्रा में भक्त लोग आ रहे हैं मंदिर बनेगा और भी सुविधा प्राप्त होगा आप लोगों को भगवान की सेवा करने के लिए प्रचार और बढ़ाने के लिए तो पछाने आ जाता है सब लोगों को इधर एक सेंटर अच्छा सेंटर है ऐसे तो वही एक पॉइंट बोल रहे हैं दूसरा पॉइंट आप बोल रहे हैं कि आधुनिक मानव समाज में भौतिक विज्ञान के कारण बड़े बड़े विकास हुए और लोगों ने वायु में ध्वनि का विस्तार करने के लिए रेडियो की खोज कर ली है अतएव इंद्रिय भोग के लिए किसी बद्दे स्वर को प्रसारित ना करके यदि राज्य भगवान के पवित्र नाम यश था उनके गुणों की वाणी को जिस तरह से वे भगवत गीता भागवत में प्राप्त हैं वो प्रसारित करे करने की व्यवस्था करें ऐसे है। बताते हैं जैसे आप लोग सुने हैं ये जो शिष्य के व्यासदेव के शिष्य था काँण? व्यास प्रसादा श्रुतवान किसने बोला संजय ने बोला मैं व्यास के प्रसाद प्राप्त करके मैं ऐसे स्पिरिचुअल में उसमें मैं कृष्णार्जुन के बीच में जो संवाद चल रहा है वो मैं देख पा रहा हूँ रणभूमि में जो भी हो रहा है युद्धभूमि में पूरा मुझे दृष्टिकोचर हो रहा है वो देख देख कर बता रहा था किसको धृतराष्ट्र को ऐसे प्रभाव जी बोलते हैं कि बैठा था वो महल में लेकिन सारे रण के बारे में बोल पाया क्योंकि एक टेलीविजन के माध्यम से भगवान ने उनको सबा तिका, दिखाया इसी तरह अभी भी विज्ञान में इंसान बहुत आगे बढ़ चुका है बहुत कुछ सुख सुविधा है प्रौपद रेडियो के बारे में बात कर रहे हैं अभी टेलीविजन आ गया है अभी क्या क्या आविष्कार किया इंसान ने जैसे एक स्मार्टफोन में सब लोग सब वीडियोस देख लेते हैं इस वीडियो आप देख सकते हैं हाँ सब कुछ अभी पेमेंट सिस्टम पेटीएम अनेक मंदिरों में हुंडी तो रहता है लेकिन हुंडी के ऊपर एक पेमेंट के लिए भी रखा है रेडी एक क्यू आर कोड लोग पा, हाँ पैसा पैसा पॉकेट में नहीं तो नो प्रॉब्लम स्मार्टफोन ले लो क्यू आर कोड क्लिक करके आप दे सकते हैं करेक्ट है ना सब सिस्टम बहुत बहुत कुछ आ गए हैं आज कल हम थे अमेरिका में थे उधर टेक्सास एंड में एक प्रोग्राम किया हमने ह्यूस्टन ह्यूस्टन से हम आए थे तो टेक्सास और ह्यूस्टन के बीच में तो ऑस्टिन और ह्यूस्टन के बीच में एक टेक्सास एंड में प्रोग्राम करके हम जब जा रहे थे एक भक्त के घर में हम पहुंच गए लेकिन उनका गाड़ी एक घंटे पीछे था हमने उनको फ़ोन किया प्रभु जी हम पहुंच गए आपके घर में बोला चिंता नहीं घर को कॉल देता हूँ आपको कैसे खोलेंगे मोबाइल से कॉल दिया उन्होंने इधर से कुछ गेंटूधर ड्राइव right? करते हैं ना हाँ स्मार्टफोन से वो रखते हैं तो उनका गैरेज खुल गया है तो तो गाड़ी अंदर रखकर चले गए अंदर तो बोलेंगे मतलब क्या है सिस्टम इतना आगे बढ़ गया है आधुनिक दुनिया में लेकिन इंसान क्या करता है ये सब सुविधाओं को क्या करता है वो किसके लिए यूज करता है खुद की बॉक के लिए यूज करता है ये ये अफसोस की बात है हुँ? कितना आजकल आप देखिए नेट नेटफ्लिक्स में इतना हाई डेफिनेशन मूवीज बनाते हैं थ्री डी जैसे दिखता है ऐसे बनाते हैं लेकिन सब क्या दिखाने के लिए वो बनाता है गंदे गंदे चीजों को दिखाने के लिए है लोगों को बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए है इससे भ्रष्टाचार पापाचार दुराचार अत्याचार हा? और व्यभिचार सब बढ़ता है हा? इससे आप देख सकते हैं इसके विरुद्ध जैसे भारत में जब रामायण रामानंद सागर का आया था उस समय मैंने मेरे पिताजी को फोन किया बोला कि माँ घर में बैठी अकेले उसको बोर्डम हो जाएगा आप एक टेलीविज़न खरीद के दे दो उसको पिताजी बोला अरे टेलीविजन की क्या ज़रूरत है हमको दुनियादारी चीज़ नहीं चाहिए पिताजी बोल रहे थे मैं बहुत हट गया पिताजी को बोला नहीं नहीं अभी रामायण आ रहा है टेलीविजन में वहाँ था खुश हो जाएगी घर में बैठे बैठे देख पाएगी क्योंकि पहले माँ उनको लेके जाती थी रामायण कथा में बीस दिन होता था हर दिन दो दो घंटे शाम के टाइम हम लोग सब जाते थे अटेंड करने के लिए तो मैंने सोचा कि आजकल माँ तो बूढ़ी हो गई वो घर में बैठे उसको लेकर दे दीजिए तो पिताजी टेलीविजन लेकर आए वो दिया उनको उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी था लेकिन रामानंद सागर का रामायण होने के बाद साफ तरह की चीज़ चालू हो गई उसके बाद तो ये लोगों का ट्रिक था क्या ट्रिक था भारत में लोगों को थोड़ा रिलीजियस सेंटिमेंट है रामायण महाभारत पसंद है उसका थोड़ा लाली पाप दिखाकर लोगों को टीवी बेच देंगे ये उनका प्लान था इसे थोड़ा छोड़ मात्रा में टीवी बिक गया भारत में लेकिन लोगों ने खरीदा टीवी क्यों रामायण देखने के लिए बाद में उनको गंदे गंदे चीज सीरियल्स है आजकल क्या कुछ भी सीरियल निकालते हैं कुछ भी उस सीरियल को देख ही लोग बिगड़ते हैं अनेक बार कोई युवा किया है किसी स्त्री से अभी टीवी में दिखाते हैं और किसी और को देख रहा है हा? तो और लोग भी देखते हैं वो देख रहा है मैं भी देखूंगा है लोग वही करते हैं सब लोग ऐसे हैं बिगाड़ रहे हैं तो अगर आप रामायण में पढ़ेंगे जो परस्त्री

हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम देखिये आजकल सब एजुकेशन के लिए स्मार्टफोन लगता है इंटरनेट लगता है लेकिन एजुकेशन के लिए देना ही पड़ता है बच्चों को लेकिन जिधर एजुकेशन मिलता है उधर ही बाकी चीज भी की एक हिरण पानी पीने के लिए जाता है तालाब में लेकिन उसी स्थान जाड़ के पीछे बाघ भी कड़ा है ऐसा है पानी पिए बिना जी नहीं सकता लेकिन जाएगा तो बाघ को सामना करना पड़ता है उसको इसी तरह हमारे बच्चों को चरित्रवान जीवन सिखाना चाहिए कि तुम एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करो लेकिन बिगड़ मत जाओ हैं उन चीज़ों से जैसे चक्कू होता है हां? उससे कोई चोर किसी को मार भी डाल सकता है मार डाल सकता है नहीं तो एक डॉक्टर सर्जियन उसको लेकर सर्जरी करके किसी के जान को बचा सकता है इसी तरह आधुनिक टेक्नोलॉजी बून और बेन ऐसे हम लोगों ने एक डिबेट की हां? दोनों है वो वरदान भी है अभिशाप भी है दोनों ये आपके इस्तेमाल के ऊपर आप कैसे इस्तेमाल करते हो उसको न? अगर हम लोग भागवत सही ढंग से पढ़ेंगे हम समझ जाएंगे कि ये दुनिया के पदार्थ बहुत खतरनाक है हम दुष्प्रयोग नहीं करना चाहिए उनकी सदुपयोग करनी चाहिए भगवान की सेवा में तो तब हम लोग इसका सदुपयोग करके बहुत लाभान्वित हो सकते हैं हम आधुनिक दुनिया में इतना सुविधा है कोई माता किचन में कुकिंग कर रही है घर में बैठे बैठे कुकिंग करते करते वो लेक्चर पूरा बागदम सुन सकती हो, है वो हैं उनका मंदिर अगर जा नहीं पाई बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है हु? इसी तरह दिन में भी अनेक माता हैं अनेक लेक्चर सीरीज सुन लेते हैं ऐसे इसी तरह कोई प्रभु जी गाड़ी में जा रहा है खास ऑफिस जाने के लिए इंच बेच जाना होता है हु? अच्छा ऐसे देखा अपने इतना ट्रैफिक रहता है हा? गाड़ी होने से कुछ मजा ही नहीं है कभी कभी लगता है आपको चल के चले जाओ चल के जलना अच्छा ना ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे जगह इंच करके जाने का है तो लेकिन अगर आपके पास अंदर रिकॉर्डर हो लेक्चर लगा दिया आपने ऐसे इंच में इंच जाकर जा आपको डेढ़ घंटे में एक पूरा पुर, लेक्चर हो गया आपका सुन लिया आपने करेक्ट है ना बहुत सुविधा है आजकल और आजकल ब्लूटूथ भी है ब्लूटूथ लगा दिया आपने मोबाइल में अंदर रख दिया नो प्रॉब्लम चलते चलते सुन लेते हैं लोग मैं भी एयरपोर्ट में जब काल में तीन सौ सौ लोग आजकल होते हैं एयरपोर्ट में अगर आपने ब्लूटूथ लगा लिया तो वो क्यों पूरा पास करने के पहले एक लक्ष्य पूरा हो जाता है हाँ तो सुविधा बहुत है हम खुद को आध्यात्मिक पोषण देना चाहते हो तो सुविधा बहुत है आजकल हाँ सीखने के लिए और जो पहले हम लोग सिर्फ पढ़ते थे शास्त्र में अभी उनको हम रिसेंटली आई साव एन ब्यूटिफुल रुक्मिणी कृष्णा मूवी इन हरे कृष्णा टीवी हरे कृष्णा टीवी रिसेंटली मेड आई थिंक रुक्मिणी कृष्णा का इतना सुंदर था हाउ हाँ। रुक्मिणी मैरिज कृष्णा भावनाओं के साथ क्या उन्होंने ऐसे आजकल कितने अच्छे अच्छे फिल्लो मंगल के ऊपर एक मूवी आया है हाँ। और इस तरह आप देख सकते हैं ड्रामास हैं बच्चों के लिए पपेट शोस है हाँ। 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 और अनेक बाहर के लोग चू चू करके बच्चों के लिए बनाया आपने देखा होगा है पोएम्स हाँ। लेकिन ऐसे अभी कृष्णा भवान पोइम्स भी आजकल आ गए हैं बहुत भक्त लोग भी उसका अच्छा सदुपयोग कर रहे हैं आजकल न? लेकिन हम सदुपयोग करने के साथ साथ एक बात हमें याद रखना पड़ेगा न? कि अगर हम कली की उपस्थिति को भूल जाते हैं हम थोड़ा केयरलेस इनटिव हो जाते हैं केयरलेस हिंदी में क्या बोलते हैं केयरलेस असावधान है लापरवाह लापरवाह इज रिस्पॉन्सिबल सावधान स नॉट केयरफुल हाँ आसावधानी रखते हैं तो जैसे अगर कोई ड्राइविंग कर रहा है गाड़ी पुना बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे में जा रहा है सड़क एकदम क्लियर है थोड़ा सो जाता है, है? जबकि लगता है उसको क्या होता है एक क्षणा मात्रा में बड़ा दुर्घटना हो सकता है मोमेंट्री नेग्लेक्ट बिग प्राइज करेक्ट है ना आई सिल कार लोड पटेगा का, बड़ा एक्सीडेंट हो जाए कोई मर भी जाएंगे उसमें बड़ा डेंजर है तो हम लोग गाड़ी चलाने के पहले रात को अच्छा सो लेना चाहिए छः घंटे सो लिया अच्छी तरह और प्रातः काल में उठे आप चला रहे हैं गाड़ी तो पूरा अलर्ट रहना चाहिए अगर नींद तोड़ा रहा है तो रुक जाना चाहिए थोड़ा इसी तरह है, हमारे आध्यात्मिक जीवन भी अभी से लेकर अंतिम सांस लेने तक एकदम सावधानी के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए तो भागवत की संदेश अगर कान में प्रवेश करता रहेगा सावधानी भी रहेगा जो लोग सुनते नहीं रेगुलर नियमित रूप से वो लोग ही असावधानी का अनुभव करते हैं दोस्त यू डोंट हियर श्रवण एम रेगुलरली जैसे अगर कोई शेविंग करते जाता है तो उसको कभी दाढ़ी मूंझ बढ़ता नहीं है इस तरह हम अग लोग क्योंकि मेटरल डिजीज बहुत ही इच्छा भी क्या है निकालो आ जाता है निकालो आ जाता है बार बार आता है लेकिन हम बार बार पढ़ने से श्रवण करने से नाम लेने से भक्तों के संग में आने से हम लोग सतर्क रह सकते हैं अलर्ट रह सकते हैं जैसे भरत महाराज थोड़े डीले पड़ गए तो हिरण के ऊपर आसक्त होकर हिरण का शरीर प्राप्त हुआ उनको इसके कारण बाद में जडा भरत बनकर एकदम सतर्क बने वो हम बहुत गंभीर बने भक्ति में तो हम लोग भी कलीग को सस्ता नहीं लेना चाहिए कलियुगा क्रैश कोर्स आप लोग जानते हैं एनआईआईटी में दो साल का कोर्स है तो मैंने सुना उसी कोर्स को आप चार महीने में भी कर सकते हो मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है दो साल का कोर्स आप चार महीने में कर सकते वो बोले कि चार महीने में करना तो दिन में आपको बारह घंटा अटेंड करना पड़ेगा कोर्स हर दिन लेकिन अगर दो साल का कोर्स हो तो आपका हफ्ते में दो दिन एक एक घंटा जाना पड़ेगा ऐसे इस तरह कलयुग जो है चारों जमानों में से कली में सुविधा भी है कतरा भी है दोनों है ये क्रैश कोर्स है कितना उम्र हम लोग रह सकते हैं मैक्सिमम सौ साल मैक्सिमम लेकिन सचयुग में कितना रहते थे एक लाख साल त्रेता युग में दस हजार साल द्वापर युग में हजार साल कलयुग में सौ साल भी पूरा नहीं कर पाते अनेक लोग इसलिए टाइम छोटा टाइम है हा? इसलिए देवता लोग भी ऊपर से बोल रहे हैं कि हे है भगवान हमको भी कलयुग में विशाल नगर में एक जन्म दे दो हमको भी हा? इतना अच्छा भक्ति कर रहे हैं सब लोग हम भी जुड़ जाते हैं उधर क्योंकि ये लोग तो सत्तर अस्सी साल में पूरा करके भगवत धाम लौट रहे हैं खाट खाट करके निकल रहे हैं अपने भगवान के दाम के लिए और हम लोग उधर दस हजार बीस हजार साल बिता रहे हैं और इतने लंबा आयु बिताएंगे तो कभी भी खतरा आ सकता है करेक्ट ना इसलिए वो लोग बोलते हैं ऐसे आप सुनेंगे हां? ना यत्र वैकुंठ कदा सुधा पगा न साधव भागवता ना यत्र यज्ञेश मखा महोत्सव सुरेश लोको न वैस्यता फलगुना नारायण ना पाद पंकज स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रियोत्सवात् हमारे स्मृति में नारायण का स्मरण भंग हो गया क्योंकि स्मृति प्रमुष्टा अतिशय इंद्रिय उत्सवात है इंद्रिय तर्पण के कारण हम लोग विलक्कड़ हो गए है। हैं ऐसे बोलते हैं इसलिए हमको देवता की जन्म नहीं चाहिए हमको भारतवर्ष में जन्म चाहिए ऐसे बोलते हैं कि भारतवर्ष में हम साधारण मनुष्य बनकर हरिनाम के संकीर्तन में भागवत के श्रवण में भगवान की अर्चना अर्चा विग्रह की पूजा आराधना में और भक्तों के संग में रहकर कर में हम लोग भक्ति अच्छी तरह करके हम भगवत में लौटने की इच्छा रखते हैं आप हमको जन्म दीजिए इस तरह प्रार्थना करते हैं देवता लोग इसलिए आप लोग देखेंगे प्रौपा जी बताते हैं अनेक कॉक्रिएशन रिवडी से बच्चे होते हैं वो देवता होते हैं वो देवता ही नीचे आए है हैं कैसे आपको पता चलेगा आप देखेंगे बचपन से उनको रुचि भी है भक्ति में है और बचपन से श्लोक बड़े बड़े श्लोक बोलते हैं भागवत का भी श्लोक आजकल याद कर लेते हैं बच्चे हैं बड़े बड़े मोटे श्लोक मतलब ये साधारण बच्चे नहीं है हैं ये लोग कुछ भक्ति प्राप्त करने की इच्छा लेकर आए हैं इस दुनिया में अगर इस तरह हम लोग इस मनुष्य जीवन का लाभ उठाकर हम लोग कली को दूर रख कर हमारे कम्युनिटीज़ में भक्ति अच्छा करेंगे हा? इसका मतलब हमारे कम्युनिटीज में झगड़ा कभी नहीं करना चाहिए सर्वप्रथम नो हिपोक्रेसी नो हिपोक्रेसी मतलब नो ड्यूप्लिसिटी छोड़ना नहीं चाहिए एट साइट अगर कोई ड्यूप्लिसिटी कर रहा है तो तुरंत उसको रोकना चाहिए डरना नहीं चाहिए उसको सिखाने के लिए सही चीज़ क्योंकि अगर आ, आपको मालूम है हैदराबाद में किसी तीन लोगों ने एक गैंग रेप किया मालूम है उनको उसी दिन पुलिस लोग जंगल में करके शूटिंग कर दिया तीनों का हा? तो भारत में नहीं तो बोल रहे थे अरे शूटिंग कर दिया सब लोगों को पता चलता है ये बड़ा खतरनाक कार्य है करना नहीं चाहिए है इस तरह अगर कोई गंदे आदतों में जैसे पैसा की दुरुपयोग स्त्री पुरुष के व्यवहार में सही व्यवहार ना रख कर गलत व्यवहार रखना और जमीन हड़पना इस तरह के कलीग में जो धोखाबाजी करते हैं उन चीज़ों को हमारे कम्युनिटी से दूर रखना चाहिए एंड नो क्वारल नो हिपोक्रेसी देन नो क्वारल तो झगड़ा नहीं होना चाहिए अगर कोई झगड़ा करते हैं क्या आप झगड़ा आपके लिए प्रिय है भगवान प्रिय है सोच ले सोच लो आप इस कृष्णा डियर टू यू और क्वारलिंग डियर टू यू कुछ लोग झगड़ा करने में मजा आया उनको बहुत है हरेक के झगड़ा करते हैं कुछ लोग क्या बोल सकते हो झगड़ा आलू बोलना चाहिए है इस फॉर फाइटिंग कुछ लोग झगड़ा करने के लिए जन्म लिया है तो, तो अगर आप पहचानते हो तो हम उनसे दूर रहना चाहिए है? तो भक्तों के बीच में कभी झगड़ा नहीं झगड़ा अगर होता है समझ लेना चाहिए कि कली घुस रहा है, है? वही बख्श और महाराज थे देते युग में कलराज क्या करता छा नियम पालन करते हैं लोग मांस नहीं इत्यादि इसलिए कली का के पास एक ब्रह्मास्त्र है ब्रह्मास्त्र क्या है भक्तों के बीच में झगड़ा पैदा करना अहंकार को पैदा करना ईर्ष्या को पैदा करना झगड़ा पैदा करना अगर आप, आप आपको लगता है कि हो रहा है तो कली को शूटिंग करना चाहिए हाँ ऐसे एक श्लोक आता है ना? कल युग पावन कलिशन थी सत्य नंदन गावो रे कलि पावन कलि भय नाचन सत्य नंदन गावो है ही शक्ति नंदन का हो है शक्ति नंदन का हो पहले को भगा दीजिए कैसे भगाएंगे झगड़ा नहीं करना भक्तों से भक्त लोग दुर्लभ है दुनिया में बहुत इतने लोग बैठे हैं इधर भक्ति करने वाले उनको आदर देना चाहिए रेस्पेक्ट लव एंड ट्रस्ट दैट इज फॉर द डिवोटीज झगड़ा करना हो हम ना, नास्तिक जो होते हैं वैज्ञानिक के नाम विज्ञान के नाम में दुनिया के लोग उनको डुबा रहे हैं संसार सागर में उनके साथ झगड़ा करना चाहिए प्रपंच कर देते हैं ऐसे तो प्रपंच बोल देते यू you नो know, बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट बोलते थे उनके साथ वाद विवाद करके उनको निरूपण करते थे दायर यू फाइट और तीसरा क्या बोला था हिपोक्रेसी क्वारल रिबेलियन जो अथॉरिटीज़ है हमारे ऊपर उनको हमें मानना चाहिए क्यों मानना चाहिए वो भी उनके ऊपर की अथॉरिटी को मानते हैं करेक्ट है ना इस कान में कोई भी ऐसा नहीं कि ऊपर से उतरा है कोई हम है। सब लोगों के ऊपर कोई ना कोई अधिकारी है जैसे मैं प्रेसिडेंट हूँ मेरे ऊपर जी बी सी अभी जी बी सी वो जी पी सी बाड़ी को मानते हैं फोर्टी फोर्टी फाइव पचास लोगों का और जी बी सी बाड़ी में भी एग्जीक्यूटिव कमेटी है तीन चार लोगों का उसमें भी एक चार महीने वो चार महीने की बात को मानता है वो खुद नहीं करेगा कुछ पास भी उनके गुरु के बात मानते हैं इस तरह आप देखेंगे ऊपर ऊपर जाएंगे अगर आपको यह अथॉरिटी से प्रॉब्लम हुआ तो इनके पास जाओ इनसे प्रॉब्लम हुआ तो उनके पास जाओ ऐसे ऊपर जाओ अगर सबसे प्रॉब्लम तो प्रदा से प्रॉब्लम तो बक्सा के पास जाओ ऐसे ऊपर जाकर लास्ट में राजा रानी के पास जाओगे राज रानी के साथ प्रॉब्लम हो तो कृष्णा एक लाफा देंगे आपको अरे तुमको सबसे प्रॉब्लम है इधर आकर क्या करोगे इधर इसलिए बोले मतलब लाइफ और लास्ट में क्या बोला चाहो था इंडिपेंडेंट मेंटालिटी ये बड़ा खतरनाक ना का। कुछ लोग हट करके खुद की खुद ही कर रहे हैं बोल रहे हैं कि हम भक्ति अपने आप करेंगे हम हाँ।, हाँ तो कलीग में संघ में आने से शक्ति मिलता है अकेले करना मुश्किल है अकेले अनेक लोग भक्ति करके पतित भी हो गए हैं पकड़ने हाँ। में में बहुत मुश्किल है तो एक छोटा कहानी बोलकर पोषण को विराम देते हैं एक बार अनेक पंछियाँ एक जाल में पकड़े गए हैं बीस पच्चीस पंछियाँ तो सब पकड़े में आए जाल में कोई भी तो शिकारी ने बिछा कर रखा था उसको धान निकाया अच्छा लगा लेकिन बाद में फंस गए वो जब शिकारी निकट आ रहा था एक पंच ने बोला अरे हम तो मरने ही वाले हैं ये शिकारी हमको उठा कर लेके जाएगा और रोस्ट करके खाएगा अब जान तो निकलने वाला है लास्ट में एक अटेम्प्ट करेंगे हम ट्राई करेंगे हम एक बार ट्राई करते हैं सब लोग साथ में पंखा अपने पंखा को उठ उट, पंखे से उड़ने के लिए प्रयत्न करो हाँ सब साथ में पंख पंखे हिलाने लगे एक एक साथ हाँ पच्चीस के पच्चीस पंच तो उसके कारण क्या हुआ चार किला जो थे चारों जमीन से निकल गए हाँ तो जाल के साथ तो आसमान में उड़ने लगे शिकारी चला रहा था आये आये चला रहा था वो तो एकदम ऊपर उड़ गए वो नीचे आए नहीं दूर जाकर एक चूहे के मदद से जाल से बिछुट गए सब के सब बच गए इसका मॉरल क्या है इसका कहानी का साथ में आने के कारण वो लोग माएँ के जाल से वो लोग उस जाल से वो बच गए हम भी लोग साथ में आकर भक्ति करेंगे हम बच जाएंगे अगर हम अकेले एक ही पंछी हम फंस गए तो हमारे साथ शक्ति नहीं थोड़ा ही शक्ति है साथ में सब लोग शक्ति करें जैसे बोट रेस में भी अगर सब लोग बोट एक ही दिशा में चला रहे हैं तो उनको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है अगर कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं है? तो ऐसे एक ही स्थान में अटक जाते हैं तो झगड़ा किए बिना साथ में आकर हम लोग एक ही दिशा में भक्ति करते हैं तो भगवान हरि बहुत प्रसन्न होते हैं उससे प्रभा जी उदाहरण देते थे लकड़ी का अगर आपने अनेक लकड़ी को साथ में बांध दिया कोई तोड़ नहीं सकता उसको एक एक लकड़ी निकालो बहुत आसान से टूट जाता है इसलिए हम संग में आ सकते हैं कब सब हम भक्तों का आदर करते हैं यू रेस्पेक्ट दिवोटीज ट्रस्ट दिवोटीज They have affection for the devotees, stay in association of devotees. Sri Prabhupada Ke. Thank you very much.